हेलो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। सर राइट अ क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड। With the help of letters of the word Anwar. With the letter of the word Anwar. Anwar में जितने letter हैं उनकी help से कितने words बन सकते हैं? Five factorial. बताइए। 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल राइट। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब है जो क्वेश्चन मैं देना चाहता था। इफ द लेटर्स आर अरेंज्ड, इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड एज इट इज इन डिक्शनरी, डिक्शनरी की तरह अगर हम जो 5 फैक्टोरियल वर्ड्स आए हैं, यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना, 120 वर्ड्स जो आए हैं, उसको अपने कॉपी में ऐसे लिखो जैसे कि डिक्शनरी में लिखा जाता है, तो अनवर का रैंक क्या होगा? अनवर का रैंक क्या होगा? किस नंबर पे अनवर आ पाएगा? अनवर वर्ड किस नंबर पे आएगा डिक्शनरी की तरह अगर इसको लिखा जाए तो? बताइए, ये डिस्कशन करना है हमारा अभी। सर एक मिनट टाइम दीजिए। लिखे तो सबसे पहले आप ए से ही स्टार्ट करोगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। हाँ सर, सर एक बार और एक फिर से आप ए लिखोगे। फिर क्या होगा? एन डब्ल्यू आर कुछ भी लिख दो, ए के बाद ए आएगा। अब यहाँ पे बाकी 3 लेटर हैं, 3 लेटर को आपस में कैसे वैसे इधर उधर अरेंज करके टोटल कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 3 वर्ड्स बन जाएंगी स्टार्टिंग विद डबल ए। उसके बाद ए को यही रखिए, ए के बाद का रैंक किसका आता है? एन का आता है, तो ए एन, ए के बाद तो एन ही आएगा ना, ए एन, और उसके बाद फिर से क्या आएगा? ए आ जाएगा, ए एन ए आ जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? डब्ल्यू और आर। तो डब्ल्यू और आर को अरेंज करोगे आप आपस में तो कितने तरीके से फैक्टोरियल 2 वर्ड्स ऐसे बनेंगे। ए एन ए के साथ शुरू होने वाला टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज फैक्टोरियल 2। आफ्टर दिस ए एन ए के बाद क्या आता है? ए के बाद क्या आता है? लोग इस बी आर 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 आर, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है डब्ल्यू और आर में कौन सा पहले आता है। आर आता है पहले, ए एन आर, फिर दो लेटर रह जाएंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल 2 से अरेंजमेंट होगा और इतने सारे वर्ड बनेंगे। फिर आर के बाद आएगा डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू, ठीक है, और डब्ल्यू के तुरंत बाद ए ही आएगा और उठा नहीं सकता। फिर इसका रैंक ये होगा, एक ही लेटर बचा है वहाँ पे, आर ही आएगा।
इतने वर्ड्स पहले बन जाएंगे, उसके बाद इसका नंबर आएगा। तो ये हो गया फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2। टोटल 10 वर्ड्स आर ऑलरेडी रिटन बिफोर अनवर, तो ये अनवर जो होगा वो 11th वर्ड होगा। इसका रैंक क्या हो गया? 11। ठीक है, द प्रोसेस दैट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू वन मोर टाइम फॉर दिस ZENITH। फाइंड द रैंक ऑफ जेनिथ, इसका रैंक बताइए। अगर हम कॉपी में इसको वैसे ही लिखे जैसे डिक्शनरी में लिखा होता है तो जेनिथ का रैंक क्या होगा? ZENITH। So find the number of words before the word zenith. सर 4 × 3 × 2 माने 4 × 3 × 2 = 3 × 2 = 3 + 3। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, 4 + 3 = यानी कि जेनिथ की रैंक होनी चाहिए 24 + 6 यानी कि 31st रैंक होनी चाहिए। चलो देखते हैं, यू ट्राइड इट, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा ई दिख रहा है, तो डिक्शनरी में सबसे पहले ई लिखा जाएगा। जब ई लिख देंगे तो टोटल बाकी के प्लेस जो बचेंगे वो कितने हैं? टोटल 6 हैं, तो बाकी के 5 प्लेसेस बचेंगे। यहाँ पे आप जो चाहे लिखो, ई से स्टार्ट करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? स्टार्ट विद ई, यहाँ पे लिखो स्टार्ट विद ई करते टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे फैक्टोरियल 5। देख लो, हम डिक्शनरी में जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे ना। सबसे पहले जेनिथ के जितने भी लेटर हैं, ZENITH, ये जो 6 लेटर हैं इससे कितने वर्ड्स बनेंगे? फैक्टोरियल 6 वर्ड्स बनेंगे, यानी टोटल वर्ड बन गए आपके 720। वेरी गुड, ठीक है। अब उसमें जेनिथ का रैंक क्या आएगा? पहले आप डिक्शनरी में कैसे लिखोगे? पहले ई से स्टार्ट करोगे, फिर सारा कुछ लिख लोगे, से लिखोगे, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे टोटल फैक्टोरियल 5 लिख लो गया। फिर आप नेक्स्ट लोगे आई या एच, एच से स्टार्ट करोगे आप इस बार, तो पहला प्लेस को आप फिक्स कर दोगे, अब बाकी प्लेस में दूसरे नंबर को दोहराते रहोगे। तो यहाँ भी फैक्टोरियल 5 तरीके से उन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद एच इज फैक्टोरियल 5। जेड का नंबर तो बहुत बाद में आएगा ना, पहले ई से स्टार्ट किया हुआ, एच से किया हुआ, इतने सारे वर्ड्स तो अभी हो गए, 120, 120, 240 वर्ड्स तो अभी हो चुके। उसके बाद फिर आप लिखेंगे आई, आई से स्टार्ट करके भी आपके पास फैक्टोरियल 5 वर्ड्स बन जाएंगे। तो ई एच आई, आई के बाद क्या है? एच हो गया, आई हो गया, ई हो गया, एन, फिर चाहिए एन। हाँ, एन से स्टार्ट करके भी आपके पास फैक्टोरियल 5 वर्ड्स बन जाएंगे। एन के बाद है टी, यहाँ से भी स्टार्ट करके आपके पास फैक्टोरियल 5 वर्ड बन जाएंगे। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको समझ में आ रहा था कि जेड सबसे लास्ट में है, तो एक बार ई 1, 2, 3, 4, 5 के कोरस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 5 बनेंगे। तो 5 × फैक्टोरियल 5 तो यही पे हो गया, फैक्टोरियल 5 + फैक्टोरियल 5 + फैक्टोरियल 5 5 टाइम। तो इतने सारे वर्ड तो जेड से स्टार्ट करने के पहले ही बन गए हैं। अब हम जेड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने जेड से स्टार्ट किया, जेड के बाद क्या लिखोगे? एन लिखोगे, एच लिखोगे, ई लिखोगे,
तो सर इसके पहले ये सब क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर सकते? ई के बाद आप डिक्शनरी यहाँ में नहीं है ना? पे, हाँ ई के बाद आप यहाँ पे एच लिखोगे, फिर आई लिखोगे, फिर लिखोगे, फिर यहाँ पे कुछ और आई पहले लिख दोगे, फिर ई एच के साथ कितने वर्ड होंगे, मिला जुला के इस नहीं आएगा, चाहे आप जैसे भी करो। अब हमें इसमें जरूरत है ये जानने की, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। जेड ई कर दिया हमने, ई के बाद हमें फिर क्या करना चाहिए, एच करना चाहिए। जेड ई तक हमारे टारगेट में था, लेकिन अब एच आ गया, अब हम बाकी का हम कंसीडर नहीं करेंगे, बोलेंगे जो चाहे भर दो। टोटल फैक्टोरियल 3 तरीके होंगे, जिसमें जेड ई एच से बात स्टार्ट हो। अब जेड ई एच से स्टार्ट ना होंगे, जेड ई आई से बात स्टार्ट होगी, तो यहाँ भी फैक्टोरियल 3 तरीके होंगे। अब जेड ई आई से बात स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ तक का सारा काम खत्म, तब अब जेड ई एन पे बात आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जेड ई एन पे बात आएगी, यहाँ तक का टारगेट कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद एन के बाद फिर से आई आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके बाद फिर से एच आएगा, एन के बाद जस्ट बाद एच ही आएगा ना, एच पहले आता है तो इसीलिए एच हाँ। आएगा। और उसके बाद बाकी के दो लेटर यहाँ पे, तो दो लेटर को फैक्टोरियल दो तरीके से जैसे चाहे वैसे लिखेंगे। अब ये एच वाली कहानी खत्म हो गई, तो जेड ई एन अब एच नहीं होगा, तो क्या होगा? एच को रिप्लेस करके एच, मतलब यहाँ पे एच वाला सारा खत्म हो गया, उसके बाद आई आ सकता है। एच के बाद आई आ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे टी है, आई है, और हाँ तो इनमें कंपटीशन होगा, तो आई ही आएगा पहले। उसके बाद फिर से करोगे तो अब एच आ जाएगा, तो अब फिर से यहाँ पे फिर से एच आ जाएगा पहले, फिर यहाँ पे टी आएगा। तो ये एक वर्ड बनाया यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, इसका नहीं, जस्ट नेक्स्ट क्या होगा, जेड ई एन आई यहाँ तक तो कर ही चुके थे फिक्स, एच टी के बदले आप क्या लिखोगे, टी एच, मिल गया वर्ड। तो ये कब आया, कितने वर्ड्स के बाद ये आया, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। तो 5 इनटू फैक्टोरियल 5 यही पे हो गया, इसमें ऐड कर दोगे फैक्टोरियल 3 टू टाइम्स, 2 इनटू फैक्टोरियल 3, फिर इसमें ऐड कर दोगे फैक्टोरियल 2, फिर इसमें ऐड कर दोगे 1। इतने सारे वर्ड जेनिथ के पहले आ चुके हैं, तो इतने सारे वर्ड मतलब कितने, ऐड करो सबको, ये हो गया 120 इंटू 5, ये हो गया 600, ये है 600, ये है 6 इंटू 2, ये है 2, और ये है 1, सबको ऐड करो, 2 to 4, 1, 5, 1, 6. So 615 words are there before Zenith. This means the rank of Zenith is 616. 616 is the answer. ये इसका rank होगा. So watch it carefully. ऐसे question JEE में आते ही आते हैं. ध्यान से देख लीजिए. JEE main में आते ही ऐसे question. Module में भी आप देखोगे. सर वो आपने जो एक क्वेश्चन दिया था ना कल, हाँ सर उसको अगर वो जो 5 नंबर्स थे उसको अगर हम तो 2 2 2 2 करके ये भी एक काउंट कर सकते हैं ना? तो वही ना, जो सम ऑफ नंबर्स फाइंड करना था। हाँ हाँ वो अभी इसके बाद वही डिस्कस कर लेते हैं सर। तो नोट कीजिए, मैं पानी पीता हूँ, फिर वो डिस्कस करते हैं। कौन कौन से नंबर थे? 2 3 4 5 बोलो। हाँ हाँ 2 3 4 5 यही थे। हाँ ओके, तो इसमें जितने सारे नंबर्स बनेंगे उनका सम चाहिए,
आप सोचिए एक बार आप 2 को 1000 प्लस से फिक्स करेंगे तो यहाँ पे 3, 4, 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3, 5, 4 आ जाएगा, ऐसे आता जाएगा। तो कितने सारे बार 2000 प्लेस पे रहेगा, जितनी बार ये अरेंज कर सकता है, यानी फैक्टोरियल टाइम्स 2000 प्लेस पे कितने सारे नंबर में रहेगा, क्या आंसर है इसका फैक्टोरियल 6? 3000 प्लेस पे कितने बार रहेगा? 24 बार। 4000 प्लेस पे कितने बार रहेगा? 24 टाइम्स। 5000 प्लेस पे कितने बार रहेगा? 24 टाइम्स। सबके सब 24 टाइम्स 1000 प्लेस पे रहेंगे। सर वो तो सिमिलरली क्यों होगा ना, सुनो, कि 2 यूनिट प्लेस पे कितनी बार रहेगा तब भी वही केस होगा। जब यूनिट प्लेस पे 2 को फिक्स कर देंगे तो बाकी के 3 लेटर आपस में अरेंज होके टोटल फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट बनाएंगे, यानी कि यहाँ भी, सॉरी फैक्टोरियल 6 को लिखा मैंने, फैक्टोरियल 3 होना चाहिए। तो 2 को यूनिट प्लेस पे रखेंगे तब भी ये फैक्टोरियल 3 टाइम रहेगा, यानी कि 2 यूनिट प्लेस पे फैक्टोरियल 3 टाइम रहेगा, यानी 2000 प्लेस पे भी 6 बार रहेगा, यूनिट प्लेस पे भी 6 बार रहेगा, 10 प्लेस पे भी 6 बार, 100 प्लेस पे भी 6 बार, 6 बार ही होगा। अच्छा क्यों 6 बार होगा, उस पे तो हम तो 2 भी ले सकते हैं। 1000 प्लेस पे 2 को फिक्स किया, हाँ। और उसके बाद 3, 4, 5, 3, 5, 4, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप? सर हम तो उसमें तो 2 भी ले सकते हैं ना, 2, 4, 5, 2, 5, 4, 5, 4, 3, फिर 4, 5, 3, फिर यहाँ पे या 5, 3, 4, सर या 3, 5 हो गया, 4 हो गया, 4, 5, 3, 4, 3, 5। अब बताओ 1000 प्लेस पे और क्या हो सकता है? सर हम तो 2, 4, 5 तो लिख सकते हैं ना, 2, 4, 5, 2, 5, 4 ऐसे, फिर से 2, 5, 4, 2, 4, 5 है तो यहाँ पे 2, 5, 4, 2, 4, 5। ओ नहीं ओ नहीं, वो 2 के बाद, 2 के बाद, हाँ 2 के बाद 4, 5 रखा ना यहाँ पे, नहीं सर वो ये था। बोल रहा है कि 2 के बाद 2, 2 के बाद, ये है ना 1000 प्लेस के 2 के बाद, फिर से 2, हाँ 2 के बाद फिर से 2 नहीं हो सकता है सर, नहीं रिपीटेशन नोट लो, हाँ रिपीटेशन नोट लो। कोशिश करो समझने का भाई। हाँ हाँ वो तो सर मैंने 2 तारीख से ही करा था, वो तो बोलता है यूजिंग द वर्ड विद दिस, using this 4 digit we have to form words, तो हम उन चारों को यूज कर रहे हैं ना यार, तो फिर उसमें एक ही 2 से हम थोड़ी बना देंगे सारा। वो तो कोई बोले कि आपका 3 लेटर का कितना वर्ड, 3 डिजिट का कितना वर्ड बनेगा, तब हम रिपीटेशन देखते हैं। यहाँ तो हमें बताया जा रहा है कि 2, 3, 4, 5 से कितने जितने भी बनेंगे नंबर्स, कितने नंबर्स बनेंगे 2, 3, 4, 5 से, आप बोलोगे फैक्टोरियल 4 नंबर बनेंगे, यूनिट प्लेस पे कुछ भी रख देंगे, यही तो आपने सीखा है, फिर टेंस पे कुछ भी रख देंगे, फिर 100 पे कुछ भी रख देंगे, फिर यहाँ पे कुछ भी रख देंगे, तो यहाँ पे 4 × 3 × 2 × 1 यही तो तरीका होगा। सो यहाँ पे टोटल 24 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, और जितने भी आप 24 वर्ड्स तो 24 नंबर्स होंगे उन सबको आपको बस ऐड करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। वही वही मैंने सोचा कि 2, 3, 4, 5 से कितने नंबर, तो 2, 2, 2, 2 को भी पकड़ लिया। नहीं नहीं तो अगर यूनिट प्लेस पे ये रहता है 2, 2, 2, हमने क्या बात किया अभी, ये फैक्टोरियल 3 टाइम्स रहेगा, ठीक है, 3 भी यूनिट प्लेस पे रहेगा, 3, 3, 3 फैक्टोरियल 3 टाइम्स, फिर 4 भी यूनिट प्लेस पे रहेगा, फिर आप नंबर देखते जाए, इमेजिन करो कि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फैक्टोरियल 3 नंबर थे वो यहाँ तक हमने लिख लिया है, यानी कि 6 नंबर को हमने यहाँ लिख लिया है, फिर इस 3 का जब यूनिट प्लेस पे था तो 6 नंबर जो बना उसको भी लिख लिया, और जब 4 यूनिट प्लेस पे था तब भी जो 6 नंबर बना उसको लिख लिया, और फिर उसके बाद 5 जब यहाँ पे है तब भी जो यूनिट, ये जितने भी 6 नंबर थे हमने लिख लिए,
तो टोटल नंबर हमारे सब इमेजिन करो कि हम नंबर्स को देख पा रहे हैं, इमेजिन करो कि ये पूरा नंबर फोर डिजिट का हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें यूनिट प्लेस पे तो यही चीजें दिखाई देगी, 2 2 2 2 2 6 टाइम, 3 3 6 टाइम, 4 4 4 6 टाइम, 5 5 5 6 टाइम। सिमिलरली तो यानी कि इन सब का सम कि सिर्फ यूनिट प्लेस का सम हमें जोड़ के बता दीजिए आप, 2 6 बार 3 6 बार, यानी यही होगा ना, 2 × 6 12, 3 × 6 18, 4 × 6 24, 5 × 6 30, ये 84 हो जाएगा। ओके ग्रेट, अब यही 2 यहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा, कहीं और होगा, तो ये 2 इस प्लेस पे भी तो फैक्टोरियल 3 टाइम्स ही रहेगा। आपने इसको यूनिट यूनिट प्लेस पे फिक्स किया 2 को, तो बाकी को अरेंज किया फैक्टोरियल 3 तरीके से। अब 2 को अब अगर आप यहाँ फिक्स कर दोगे तो बाकी को फिर से उसी तरीके से अरेंज कर सकते हो ना, यानी कि 2 जितनी बार यूनिट प्लेस पे रहेगा उतनी बार टेंस प्लेस पे भी रहेगा। तो यहाँ भी टोटल का सम कितना होने वाला है, 84 ही होने वाला है। 84. फिर यहाँ भी टोटल का सम कितना होने वाला है, 84 ही होने वाला है। यहाँ भी टोटल का सम कितना होने वाला है, 84 ही होने वाला है। ये बात क्लियर है कि हर जगह 84 ही होने वाला है, लेकिन मुझे टोटल सम चाहिए नंबर्स का, यानी कि जो 2 यहाँ पे होगा उसको 2000 काउंट किया जाता है, और जो 2 यहाँ पे होगा उसको 200 काउंट किया जाता है। तो उसके हिसाब से क्या करना चाहिए वो सोचो सर। और 84 इंटू 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस, राइट राइट, 2 2 2, ऐसे 2 ऐसे आया यहाँ पे 2, इसमें यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको आपने फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो ये 84 हुआ। हाँ, 2 को आपने फैक्टोरियल 3 है ना, फैक्टोरियल 3, तो यही 84 आपको दे रहा होगा। और अब 84 इंटू 1, 84 इंटू 10, 84 इंटू 100 एंड 84 इंटू 1000, यही होगा 10 क्यूब, 10 स्क्वायर, 10 पे पावर 1 और 10 पे पावर 0। बोल अग्री? हाँ। जैसे मान लो हम यहाँ के 2 नंबर को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2000 फिर प्लस प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा सबको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सब तो थे ही वहां पे, फिर सब 100 पे भी थे, सब 10 पे भी थे, सब 1 पे भी थे, तो सम ऐसे ही निकलेगा। एक नंबर लिखने के लिए तो हम ऐसा ही करते हैं, अगर मेरे पास पता होता कि यूनिट प्लेस पे ये है, टेंस पे ये है, ये है, ये है, तो हम क्या करते हैं, 2 × 10³ + 3 × 10² + 4 × 10 + 5 × 1, ऐसा करते हैं। हाँ। तो जो अब बस यही हो रहा है कि यूनिट प्लेस पे 2 एक बार था, लेकिन फैक्टोरियल 3 टाइम्स था ये 2, तो 2 × 3 × 10³ करेंगे, ये मेरे बात समझ में आ गई। अब 2 के साथ ये कर रहे हैं, 3 भी वही है, 3 भी 1000 प्लेस पे कभी रहा है, तो जब 2 रहा था तो 3 यहाँ पे था, 3 × 3 × 10² या कुछ और था, मुझे नहीं पता, देखेंगे आगे, लेकिन जो 2 के साथ जो आप सलूक कर रहे हो वही 3 के साथ करना पड़ेगा। 3 × 3 × 1000 की बात कर रहा हूं मैं, वही आपको 4 के साथ भी करना पड़ेगा, वही 5 के साथ भी करना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ 1000 की बात अगर करें तो मैं क्या लिखूंगा इन सबको शॉर्ट में, एक्चुअली सबको ऐड ही करना है ना, तो 2 + 3 + 4 + 5 ये कॉमन हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 कॉमन है और 10 क्यूब कॉमन है, तो बेसिकली आप यहीं पहुंच जाओ। ये सबको आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, ये काम कर दिया है आपने, 1000 वाले नंबर को ऐड कर दिया है। अब आपको करना है यही काम जब 200 प्लेस पे होगा, जब 200 प्लेस पे होगा तो यही चीज करोगे, 2 × 3 × 10² फिर वही 3 भी वैसी, 3 के साथ भी वही सलूक करोगे, फिर सबको ऐड करोगे, तो यही चीजें रहेंगी, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसी से करोगे, बस यहाँ 10² रह जाएगा, फिर इन सबको जोड़ोगे तो
तो यही तो आ जाएगा 10³ + 10² + 10+1। ये तो यही आंसर है तुम्हारा। इस चीज को याद रखो, ऐड करने वाले में आप डायरेक्ट ऐसे फटाफट कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है, तभी आप इसको याद रख सकते। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सिक्स डिजिट ऑड नंबर्स, हाउ मेनी सिक्स डिजिट ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 6 लाख, 6 पे 5 जीरोस, हाउ मेनी सिक्स डिजिट, हाउ मेनी सिक्स डिजिट ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 6 लाख can be formed from the digit 5, 6, 7, 8, 9 and 0, 5, 6, 7, 8, 9 and 0. If repetition is not allowed, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड करके मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताओ कि मैंने इसमें स्टेटमेंट क्या लिखवाया था। स्टेटमेंट पढ़ के बताओ एक बार, इफ यू कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मड विद द डिजिट्स। पढ़ो तो एक बार क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मड विद द डिजिट 2, 3, 4, 5 टेकन ऑल एट ए टाइम। टेकन ऑल एट ए टाइम से क्लियर नहीं होता कि हमें 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी लेना है, 5 भी लेना है। जब हम इन चारों को ले लेंगे तो फिर 2 2 2 2 का कोई कांसेप्ट ही नहीं आता है। तब हम जब हम 2 2 2 2 लेंगे तो फिर तो हम 3 नहीं ले पाए, इसमें 4 भी नहीं ले पाए, यानी कि वो टेकन ऑल एट ए टाइम वाली बात ही नहीं हो पाई फिर तो। तो अच्छा, इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमें वो रिपीट नहीं करना है। तो वो हमेशा ये नहीं वर्ड यूज नहीं करेगा कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है, वो दूसरे तरीके से भी आपको बता देगा कि आपको रिपीट करना है या नहीं करना है। कभी कभी साफ साफ लिख देगा, कभी कभी नहीं लिखेगा। ओके ठीक है, या सो बताइए इसमें 6 लाख से ज्यादा कितने नंबर होंगे।
सर 3 × 5 फैक्टोरियल, 3 × 5 फैक्टोरियल, नहीं नहीं सोचो और सोचो, ट्राई कीजिए, ये हो जाना चाहिए, टेक योर टाइम। सर 6 लाख से अधिक होगा तो सर 7 लाख भी हो सकता है ना सर, 8 लाख भी सर हो सकता है ना। हाँ इन डिजिट से जो बनेगा वही बनाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 20 लाख भी हो सकता है लेकिन हमें इस डिजिट से ही बनाना है। रिपीटेशन अलाउड किया है नॉट अलाउड किया है? अभी नॉट अलाउड है सर, नॉट अलाउड पे पहले वर्क करो। सर 288 निकला है, 240 इज द आंसर इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड पर ही कर रहा हूँ। गिव वन मोर ट्राई, एक बार और ट्राई कीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए। 6 लाख से ज्यादा नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर के लिए क्या किया जाता है? सर और कुछ नहीं हो रहा है, कर दीजिए। यूनिट प्लेस पे यानी कि सबसे पहले तो 3 डिजिट जो लास्ट प्लेस है, लास्ट प्लेस 3 डिजिट देंगे, 3 डिजिट 579। हाँ 579 देंगे। और मान लो सेवन अगर फर्स्ट पे चला गया तब कितना दे सकते हैं यूनिट प्लेस पे? 2। सेवन फर्स्ट पे भी तो जा सकता है। हाँ तो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं? 6, 7, 8, 9 and 0। इनकी हेल्प से हमें को 6 लाख से ज्यादा वाला नंबर बनाना है। इसमें तो यार एक डिजिट और चाहिए होगा, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा? 5। हाँ 5 भी है। हाँ। तो 6 लाख का मतलब क्या होता है? 6, 7, 8, ये 6 पर मतलब 5 जीरो। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे इसमें? 6 डिजिट होंगे। वी हैव 6। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट प्लेस पे यानी कि जो लास्ट प्लेस है वहां पे कितने डिजिट रखे जा सकते हैं। क्या वहां पे आप 5 रख सकते हो? हाँ। नहीं रख सकते। वहां पे आप 6 रख सकते हो, 7, 8, 9, ये 4 में से कुछ भी रख सकते हो। यहाँ यूनिट प्लेस पे आप इन 4 में से कुछ भी रख सकते हो। चलो अगर मैंने यहाँ पे 6 रख दिया
ठीक है, तो ये 6 लाख से तो ज्यादा ही होगा ना हर हाल हाँ में। हाँ हाँ और वही तो यूनिट है। प्लेस पे हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 5, 7, 9, 3 ऑप्शंस हैं। थ्री अब 5, 7, 9 में से आपने एक यूज कर लिया है, ठीक है, तो बाकी कितने बचे आपके पास? 6 यूज हो फोर गया और 5, 7, 9 में से एक यूज कर लिया आपने, तो टोटल 6 थे, फोर उसमें से 2 यूज हो चुके हैं, 4 बचे हैं। तो यहाँ पे भरने के 4 तरीके, यहाँ भरने के 3 तरीके, यहाँ भरने के 2 तरीके, यहाँ भरने के 1 तरीके। सो टोटल नंबर ऑफ वेज स्टार्टिंग विथ 6, ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 2 × 3 × 4 × 3, इतने ही नंबर हाँ बनेंगे। ऐसे हाँ कर करके बस आप कर सकते हो। हाँ वो तो मैं स्टार्टिंग कर विथ लूंगा। 7, स्टार्टिंग विथ 7 ऐसे फिक्स करके करो। 7 से जब स्टार्ट करेंगे तो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए यू हैव ओनली 2 थिंग्स, 5 एंड 9। सो इसको फिल करने के सिर्फ 2 तरीके होंगे, सिर्फ 2 तरीके होंगे। फिर नेक्स्ट, एज यू हैव यूज 2 थिंग्स, 5, 9 और 7 में से 2 चीजें यूज की जा चुकी है, तो अब यहाँ पे बाकी बचे 4, तो 4 में से यहाँ पे आप कितने तरीके से फिल करोगे? 4 वेज से, फिर यहाँ पे 3 वेज, फिर यहाँ पे 2 वेज, फिर यहाँ पे 1 वेज। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1 × 2 × 3 × 4, 1 × 2 × 3 × 4, और लास्ट में कितना हो गया? 2। यहाँ भी आप 1 लिखी दो, बड़ा सिमेट्री दिखता रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको आराम से डिटेल में अच्छे से बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे 9 रख देंगे, यहाँ पे 9, ये लास्ट प्लेस पे, ठीक है, या फिर आप चाहो तो 8 रख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे 8 रखते हो तो क्या इसके जैसा सिचुएशन नहीं होगा जो 6 के साथ हो रहा है? जो 6 के साथ होगा वही 8 के साथ होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे रखने के लिए आपके पास 3 जगह 3 नतीजे आ जाएंगे, 5, 7, 9, और बाकी में फिर वही रहेगा 4, ऐसे। तो क्यों ना हम 8 के साथ जो सिचुएशन आएगा वो सेम आएगा, तो इसमें जोड़ दिया जाए 2 × 3 × 4 × 3। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 9 पुट कर देते हैं, तो क्या 9 के साथ वही सिचुएशन नहीं आएगा जो 7 के साथ आ रहा था? हाँ तो ये बनना हमारा 5 और 7, तो फिर यहाँ पे हम क्यों नहीं इसको ये सेम चीज ऐड कर दें, 1 × 2 × 3 × 4 और अगेन 2, तो हो गया। अब बचा 0, 0 आप यहाँ प्लेस कर नहीं सकते, 0 यहीं कहीं होगा प्लेस किया हुआ। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे, मैंने आपको अलग अलग करके समझाया है, अब मैं अगली बार आपको कैसे समझाऊंगा, मैं बोलूंगा कि लास्ट प्लेस पे आप या तो 6 रखो या तो 8 रखो, या तो 6 या तो 8, यानी एक यूज कर लिया आपने यहाँ पे, या तो 5 या तो 7 या तो 9। लेकिन लास्ट, अगर लास्ट प्लेस पे अगर आप 5, 7, 9 में से कुछ भी यूज करते हो, यहाँ पे 7 और 9 यूज कर सकते हैं, या तो 7 और 9 यूज कर लेते हो अगर लास्ट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे भरने के लिए आपके पास 2 ही जगह होंगे, और इस केस में 3 जगह होंगे, उसके बाद बाकी तो सब सेम है। तो यहाँ पे ये जो आप 1 लिखते थे, यहाँ पे 2 लिखोगे, तो ये जो यही जो आपने लिखा है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे चीजों को, 2 × 3 × 4 × 3, कितना हुआ? 6, 9 and 8, 9, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 8 जा 72, 72 × 2, 144। फिर यहाँ पे 2 × 3 × 4, 96, 6, 12, 48 × 2, 96। इन दोनों को ऐड करो, 140 और 96 को ऐड करो, 144, कितना हो गया? 240 हो गया ना। हाँ तो आपको ऐसे खुद ही देखना पड़ेगा कि कैसे उसको ग्रुप में बांटना है, कब अलग करना है, कैसे करना है। सब एक साथ लेने पे कभी कभी ऐसे अलग अलग करने पे आसान हो जाता है, और कुछ कोई दूसरा और भी तरीके से बन सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम इसी को फॉलो करना है। किसी तरीके से वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जानी चाहिए, उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपने कर दिया अगर क्वेश्चन के थ्रू, तो वो सही ही होगा, कहीं कुछ चूक ना हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, इस चीज को अगर आप कर लेते हो तो वो सही ही होगा। सर, यहाँ पे सर 6 डिजिट था तो सर ऐसे कर लिए, लेकिन जब सर 1000 2000 के
में रहेगा तो 1000-2000 आपको कौन देगा? 1000-2000 डिजिट तो कोई पूछता है क्या? मतलब जैसे कि सर बोलेगा कि 1 करोड़ के लगभग, नहीं पूछेगा कोई। 2-4 के लिए ये मेथड सही है सर? हाँ, क्योंकि आपके पास डिजिट ही तो 10 है ना, 0 से लेके 9 तक। हाँ सर, उसके बाद वाला डिजिट आएगा तो फिर तो रिपीट होना ही पड़ेगा। हाँ, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का बात ही खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, वो हमेशा 6 डिजिट 5 डिजिट 4 डिजिट में ही बात करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, तो कैसे करेंगे? तो आप सोचिए, इसमें रिपीटेशन अलाउड कर दें तो कितने नंबर्स बनने वाले हैं जो 6 लाख से ज्यादा होंगे? चलो सोचो आप फटाफट। और ऑड नंबर ही बनाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑड नंबर ही बनाना है। 6 लाख से अधिक ना सर, 6 लाख से अधिक। 6 लाख से अधिक कितने ऑड नंबर बनेंगे? पूरा मल्टीप्लाई मत करना, बस बता देना। सर 4 × 3 × 6⁴। हाँ सही है, 4 × 12 × 6⁴। हाँ बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लास्ट प्लेस पे मोर देन 6 लेना है। मोर देन 6 में 5 को छोड़ के 0 को छोड़ के सब ले सकते हैं, सो 4 वेज। यूनिट प्लेस पे 3 वेज, 5 7 9। वेदर यू हैव टेकन इट in the last place or not, you can take these 3 numbers freely and then another places to fill and the all 6 digit can be placed there. 6 × 6 6 6 6 6 4 places pe aap rakh sakte ho. To 6 factorial ki baat kyun kar rahe ho aap? Yahan pe 6 digit ka number hai, 1 2 3 4 6 hai. तो यहाँ पे तो आपको 6 लाख से ज्यादा नंबर रखना है, तो यहाँ पे तो आप 5 नहीं रख सकते, यहाँ पे 0 0 रख ही नहीं सकते, वो 6 लाख से कम हो जाएगा। 4 वेज है, तो 4 वेज है, 4 वेज यहाँ हो गया। यहाँ पे आप रख सकते हो 5 7 9, तो यहाँ पे 3 वेज है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो चाहे रख सकते हो, तो 6 वेज है। यहाँ पे जो चाहे रख सकते हो, 6 वेज है, 6 वेज है, 6 वेज है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 × 6 × 6⁴ फैक्टोरियल कहाँ से आ गया? सोचो, 6⁴। सोचो, हाँ हाँ तुमने सही बताया। अब आगे बढ़िए, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 girls and 5 boys कैन बी अरेंज्ड। Find the number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row. In a row, if no 2 boys are together. If no 2 boys are together. अरे तुम्ही repeat करो, कलोल तुमने सुन लिया ना, repeat करो। Oh, find the number of ways in which 5 boys and 5 girls can arrange if no 2 boys are allowed together. Together. In how many ways 5 boys and 5 girls can be arranged in a row? In a row. एक कतार में arrange करना है, एक row में, in a row. If no 2 boys are together,
सर 2 × 5 फैक्टोरियल? हाँ सर 2 × 5 फैक्टोरियल। नहीं नहीं यह नया टाइप का है, थोड़ा सोचो एक बार और सोचो फिर मैं बताता हूँ, जस्ट आफ्टर 1 मिनट। रो में अरेंज करने के लिए तो सर फैक्टोरियल ही ना आता है सर। आइए देखते हैं। आप क्या करो भाई, जब भी ऐसा बात हो कि जब भी वो टुगेदर ना बैठ सके, ऐसा कोई क्वेश्चन हो या अल्टरनेट की बात हो या कोई दो पार्टिकुलर बॉयज एक साथ बैठे, मतलब इस तरीके का जो अरेंजमेंट है जिसमें ऐसा कुछ, तो हम सबसे पहले जिस पे कंडीशन नहीं है उस पे काम करते हैं। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी, दोनों पे कंडीशन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे किसी एक को पहले बिठा देंगे, यानी कि बॉयज 5 बॉयज है 5 गर्ल्स है, हम क्या करेंगे बैठ जाओ आराम से, गर्ल्स को बुलाएंगे बोलेंगे बैठ जाओ, तो वो सारी लड़कियां बैठ जाएंगी आराम से एक रो में बैठ जाएंगी, बैठ गई सारी लड़कियां, ठीक है। अब वहां बोला जा रहा है कि कोई भी दो लड़का साथ नहीं बैठना चाहिए, तो क्या करें, जो भी जगह बचा है अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 दोनों के बीच, यहाँ पे भी एक जगह बनाना। सो गर्ल्स को बिठाने के बाद, जैसे आप अपने घर में ही जो दुर्गा पूजा में कुमारी भोजन होता है वहां पे आपने 6 लड़कियों को बिठाया, तो आपके पास कितने प्लेसेस दिख रहे हैं, आपने उनको थोड़ा सेपरेट करके बिठाया है, मतलब बीच में आपने 2 फिट का गैप रखा है और तब बिठाया है, तो कितने प्लेसेस आपके बच जाएंगे जिसपे आप किसी और को बिठा सकते हो, तो 6 प्लेसेस बचेंगे ऐसे। हाँ, 6। हाँ। तो जब भी आप 5 को बिठाओगे 6 प्लेसेस बचेंगे, 6 को बिठाओगे 7 प्लेसेस बच जाएंगे, 3 को बिठा दोगे 4 प्लेसेस दिखेंगे खाली, तो इन 6 में किसी को भी बिठा सकते हो आप। हो सकता है आप बॉयज को यहाँ बिठा दो ऐसे, बी यहाँ बिठा दिया, फिर यहाँ बिठा दिया, फिर यहाँ बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया, हो गया 5 लड़के बैठ गए। क्या एक भी लड़का साथ में है, क्या 2 बॉय साथ में है इसमें? नहीं है, यानी कि हम ऐसे बिठा सकते हैं, यानी कि इन 6 प्लेस में अगर हम बच्चों को बिठाएं, लड़कों को बिठाएं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कंडीशन फुलफिल्ड है, हम ऐसे ही बिठा सकते हैं। एक यहीं से स्टार्ट करेंगे, बी बी ऐसे ये हटा देंगे, अभी भी बॉयज अलग अलग ही हैं, हम यहां से बी को हटा देंगे, यहां बी रख देंगे, बॉयज अलग अलग ही हैं, यहां से बी को हटा के यहां रख देंगे, बॉयज अलग है अभी भी, यहाँ भी बॉयज अलग है, आप समझ पा रहे हो? तो बहुत सारे तरीके हो जाएंगे जिसमें बॉयज अलग अलग हैं। आप बोलोगे सर ऐसे केस में लड़कियां तो साथ हो गई, 2 लड़कियां साथ हैं, देखो हाँ। 2 लड़कियां एक दूसरे के बगल में हैं भाई, तो वो तो बोल रहा है कि बॉयज साथ नहीं बैठ सकते, गर्ल्स के बारे में तो उसने बात ही नहीं की है, तो हम गर्ल्स के बारे में क्यों सोचे, हमको तो बॉयज के बारे में ही सोचना है फिलहाल। हाँ। समझ पा रहे हो? जब वो बोलेंगे कि नो 2 बॉयज और नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर,
तो हम देखेंगे ऐसा कि गर्ल्स का भी साथ में बैठना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वैसे क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ बॉयज के बारे में सोचना है। तो वी विल हैव सिक्स प्लेसेस वेयर बॉयज कैन सिट। इन छह में से आपको पांच को अरेंज करना है, आप में से आपको इन छह में से किसी पांच को चुनना है। कभी इस पांच को चुनोगे, कभी इस पांच को चुनोगे, कभी ये छोड़ दोगे, कभी ये छोड़ दोगे और बाकी पांच को चुनोगे। यानी छह में से पांच का परमुटेशन होने वाला है। छह में आप ना छह सीट को अरेंज कर रहे हो बेसिकली, टेकिंग फाइव एट ए टाइम। यही तो कर रहे हो आप, सिक्स पी फाइव कर रहे हो आप, सिक्स पी फाइव। तो ये हो गया बॉयज को बिठाने का तरीका। इसके पहले ही आप गर्ल्स को बिठा चुके हो। ये गर्ल्स सब एक ही नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो ये आपस में कभी ये उछल के यहाँ चली जाएगी, कभी ये यहाँ आ जाएगी। तो कितने तरीके से आप पांच लड़कियों को बिठा सकते हो? फाइव फैक्टोरियल। ये आंसर हो गया। ये गर्ल्स बॉयज बैठेंगे उसमें कितना कॉम्प्लेक्स मैथ हो गया। अरे पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मजेदार है, माइंड एक्सरसाइज है। ऐसे अगर कोरोना में लोग कुछ ना करें तो पागल हो जाएंगे। तुम खाली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा माइंड एक्टिव रहेगा, तो पागल नहीं होगे। अच्छी बात है। हाँ, वो तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा है सब, आप शुरू शुरू में लग रहा है आपको। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच फाइव गर्ल्स एंड फाइव बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। सेम क्वेश्चन है, लास्ट में चेंज करना है। इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, एक के बाद एक अल्टरनेट का मतलब ये, इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। सर, 2 × 5 factorial, 2 × 5 factorial गलत है, थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। सिक्स पी पी फाइव इंटू फाइव फैक्टोरियल ये तो पिछला वाला ही आपने बता दिया, तो पहला वाला का आंसर हो गया। सही ना होगा सर? देखिए इसमें एक गर्ल और एक, मैं बताता हूँ। यहाँ पे टोटल हमारे पास फाइव गर्ल्स हैं, तो सबसे पहले आप गर्ल्स को बिठा दो। G1, G2, G3, G4, G5, कितने तरीके से आप गर्ल्स को बिठा दोगे? फैक्टोरियल फाइव तरीके से, कोई डाउट ही नहीं है। बड़े मजे से आप वो सब बैठ गई अपने आप में, अरेंज करके इधर उधर सफल करके। अब उसके बाद बॉयज को बिठाना है और अल्टरनेट बैठेंगे। तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह बोलोगे सिक्स प्लेसेस हैं, लेकिन सिक्स प्लेसेस हैं और अगर आपने यहाँ बॉयज को बिठा दिया, तो पुराने क्वेश्चन की तरह अगर करने चले गए, यहाँ पे दो गर्ल्स आ गई,
तो जो ऑल्टरनेट वाली बात थी कि बॉयज एंड गर्ल्स शुड ऑल्टरनेट टू ईच अदर, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाया. कुछ केसेस ऐसे बन जाएंगे जिसमें वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको अब ये प्लेस हटाना पड़ेगा. अब आपके पास ये 5 प्लेसेस ही हैं, इसमें अगर आप बिठाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो आपको 5 प्लेसेस दिख रहे हैं इन्हीं 5 में लड़कों को बिठाओ, बात खत्म. तो जब यहाँ बॉयज आ जाएंगे, बॉयज 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 B1 B2 B3 B4 B5, तो ये भी फैक्टोरियल 5 तरीके से आपस में बैठ जाएंगे. और क्या होगा, ये उधर ऐसे कर करके फैक्टोरियल 5 तरीके से नहीं बैठ जाएंगे आपस में, बैठ जाएंगे. हाँ, तो उस गर्ल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 5 बॉयज भी आ जाएंगे. अब ये अरेंजमेंट है, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा. सपोज आपने ऐसे बिठा दिया G1 G3 G2 G5 G4, 5 लड़कियों को बिठाया. यहाँ पे आ गया B5 B1 B2 B3. तो अब जो बॉयज हैं और एक यहाँ पे B4 आप देख पा रहे हो कैसे बैठे हुए हैं आप, शायद ये बॉयज 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 बॉयज. एक अरेंजमेंट ये भी तो हो सकता है कि ये B5 जो है वो यहाँ पे हो और G यहाँ पे हो, B1 यहाँ पे हो और G3 यहाँ पे हो, फिर B2 यहाँ पे हो और G2 यहाँ पे हो, और B3 यहाँ पे हो और G5 यहाँ पे हो, B4 और G4. मेरा इतना कहना है कि ये अरेंजमेंट इससे अलग है या सेम है? अलग है, अलग है, क्योंकि अरेंजमेंट है. अगर यहाँ लड़की बैठी थी और फिर वहां लड़का आगे बैठ गया तो ये अलग है. इस चीज को हम देख ही नहीं रहे थे, हम बस हमने फिक्स कर दिया था कि पहले लड़की बैठेगी. यानी कि कोई आदमी अगर इधर से आ रहा है उसको कुछ वो खाना देने यहाँ पे, तो पहले वो लड़की से ही वेट करेगा, फिर लड़का, फिर लड़की. ऐसे ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले लड़का ही बैठा हो. हाँ. तो अगर हम पहले लड़कों को बिठा दें बी 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 कर करके और फिर लड़कियों के लिए जगह बनाए 1 2 3 4 5, तो ये भी तो तरीका हो सकता है. इसमें भी तो वही चीजें होंगी. फैक्टोरियल 5 तरीके से बॉयज को लिख देंगे, फैक्टोरियल 5 तरीके से बॉयज को बिठा देंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 5 तरीके से फिर से गर्ल्स को बिठा देंगे. ये भी तो हो सकता है. तो ये भी एक तरीका उसमें ऐड हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा. सो 2 टाइम्स फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर, ये हम जनरली छोड़ देते हैं. ये अरेंजमेंट उससे अलग है. पहले आप गर्ल्स बॉयज को बिठाओगे और पहले आप गर्ल्स को बिठाओगे. तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी गर्ल्स हमेशा ऑड प्लेस पे और यहाँ पे बॉयज हमेशा इवन प्लेस पे. इस पूरे अरेंजमेंट में, इस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 में जितने भी आपके अरेंजमेंट आएंगे जैसे भी उधर करके, इसमें गर्ल्स आपको ऑड प्लेस पे दिखेंगी और इसमें गर्ल्स आपको इवन प्लेस पे दिखेंगी. इन दोनों में यही डिफरेंस है, बस इन दोनों में इतना छोटा सा डिफरेंस है. तो दोनों केस में हम, दोनों केस इसलिए हमें लेना ही पड़ेगा, ऐसे छोड़ नहीं सकते. क्लियर है, आगे बढ़ा जाए. हाँ सर. लेकिन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो या कैन बी अरेंज्ड इन अ रो. जो आप लिख रहे थे सेम लिख दो, वहां पे 5 के बदले 6 कर दो और लास्ट में लिखो सो दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर. ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर. सारी लड़कियां एक साथ अपने ग्रुप में, सारे लड़के एक साथ अपने ग्रुप में, तो ऐसे कितने तरीके से ये बैठ सकते हैं.
अपने अपने रो में ना बैठेगा सर, अपने ग्रुप के रो में। सबको रो में बैठाना है लेकिन सारी लड़कियां एक साथ होनी चाहिए, और इसमें लड़की के बगल में लड़का बैठ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सारी लड़कियां एक साथ होनी चाहिए, छह की छह लड़कियां एक साथ, छह के छह लड़के एक साथ। सर 2 × 5 फैक्टोरियल उसका स्क्वायर, छह बच्चे हैं यहाँ पे, छह छह बॉय छह छह गर्ल्स हैं, तो 2 × 6 फैक्टोरियल स्क्वायर। इसका एक पार्ट यही आंसर सही है, 2 × 6 फैक्टोरियल स्क्वायर। हाँ. तो इसका दूसरा क्वेश्चन लिखो, सो दैट के बाद चेंज कर लो, सो दैट के बाद लिखो ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। बॉयज के बारे में कोई बात नहीं बोली गई है, सिर्फ गर्ल्स के बारे में बात बोली गई है, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। सेवन पी सिक्स इंटू सिक्स फैक्टोरियल सर। थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं उसमें थोड़ा कुछ और चेंज करना पड़ेगा। सेवन पी सिक्स इंटू सिक्स फैक्टोरियल इंटू सिक्स फैक्टोरियल। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो पहला वाला जिसमें कि सारी लड़कियां साथ और सारे लड़के साथ, तो सबसे पहले लड़कियों को बिठा दो, बोलो कि आप बैठ जाइए सब लोग साथ में एक क्यू में एक रो में। तो एक रो में सारी लड़कियां कितने तरीके से बैठ सकती हैं, फैक्टोरियल छह तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सारी लड़कियों को एक साथ मान लो यहाँ पे बैठी हुई है एक पैक में, ऐसे ऐसे छह लड़कियां बैठी हुई हैं आपस में, जैसे अरेंज कर रही है उनकी मर्जी। अब ऐसे लड़के ही बैठे हुए हैं ऐसे छह, ऐसे ग्रुप में छह लड़के बैठे हैं, ये भी फैक्टोरियल सिक्स तरीके से बैठ सकते हैं, ये फैक्टोरियल सिक्स तरीके से, ये फैक्टोरियल सिक्स तरीके से, दोनों बैठ गए। अब दूसरी कहानी ये है कि ऐसी लड़की यहाँ बैठी, लड़की का ग्रुप यहाँ बैठा, लड़का ग्रुप यहाँ बैठा, ऐसा हो सकता है कि लड़का का ग्रुप यहाँ पहले बैठ जाए, लड़के का ग्रुप यहाँ बैठ जाए। मतलब आप मान लो कि लड़की एक छोटे छोटे डॉल है, खिलौना है, तो इनको ऐसे हमने बॉक्स में रख दिया, एक डॉल यहाँ पे, दूसरा डॉल यहाँ पे, ऐसे लड़कियों का डॉल है और ऐसे लड़कों का डॉल है। अब ये पूरा डब्बे के अंदर बंद है और ये भी डब्बे के अंदर बंद है, तो ये है लड़की के डॉल का बॉक्स, ये है लड़के के डॉल का बॉक्स। अब आप उस बॉक्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, यानी कि आपको दो ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना हो तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, दो तरीके से। जैसे यही मान लो कि इसके अंदर कांच बटा हुआ है, दस लड़कियों का दस छह लड़कियों का छह लड़कों का, ऐसे बात करके तो आपस में वो जो अरेंज कर रही है करने दो, अंदर क्या हो रहा नहीं पता। आप ऊपर ऊपर से आप क्या कर सकते हो, क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, रेड ब्लू तो या रेड ब्लैक, फिर ब्लैक रेड, यही दो चीजें हो सकती है। तो सारे की तो मल्टीप्लाई ही तो होता है सब कुछ, फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 6, ये अंदर की बात है फैक्टोरियल 6, ये भी अंदर की बात है, और ये बाहर जब ये दोनों ग्रुप बन चुका, वो ग्रुप आपस में कैसे अरेंज हो सकता है। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 6 का स्क्वायर।
इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो और इंटरेस्टिंग है। उसमें बोला जा रहा है कि कोई भी गर्ल, सारी लड़कियां साथ में बैठे, यही था, या कोई भी लड़की साथ में ना बैठे, ऐसा। ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। हाँ, सारी लड़कियां साथ बैठे ऐसा कभी नहीं हो। दो तीन लड़की साथ बैठ जाए और बाकी लड़कियां अलग बैठ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सारी लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। पहले इसका बताइए आप मेरे को, नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। सिक्स फैक्टोरियल। तो पूरे, हाँ बोलो, सिक्स फैक्टोरियल, बस बॉयज भी हैं, अभी टोटल 12 लोगों को बिठाना है, और ऐसे बिठाना है कि लड़कियां साथ नहीं बैठे, यानी कि लड़कियां साथ बैठे, हमें 12 लोगों को बिठाना है जिसमें सारी लड़कियां साथ बैठे, ये बता दो। बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं बोला गया। अब मेरी बात सुनो, सारी लड़कियां एक साथ बैठे तो हमने क्या किया, ये सारी जो लड़कियों को एक, मतलब लड़कियों को ऐसा मान लो कि लड़कियां वही बॉक्स में बंद है, ऐसे ऐसे कर करके बॉक्स बना हुआ है, या अंदर अपना जैसे अरेंजमेंट करे करती रहे। ये बॉक्स मैंने आपको दे दिया, ये 6 लड़कियों का बॉक्स है, और उधर 4 गुड्डों का है, मतलब एक होता ना खिलौना, लड़का वाला खिलौना, तो छोटे छोटे लड़के हैं वो अलग अलग से, अलग अलग है ऐसे, वो अलग अलग है ऐसे, अलग अलग है, कहीं भी इनको बिठा सकते हैं। तो अब आपके पास ये 6 लड़के हो गए और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। मुझे क्या बोलना है कि सारी लड़कियां साथ हो, ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे, तो मैंने सारी लड़कियों को साथ करके एक बॉक्स में बंद कर लिया, और उसके बाद मैंने देखा कि ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है और बाकी 6 लड़के बाहर, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 7। इन 7 को आप जैसे चाहे अरेंज करो, मतलब आपका अरेंजमेंट में क्या क्या हो जाएगा, एक लड़का यहाँ पे, फिर ये बॉक्स यहाँ पे, फिर बाकी के 5 लड़के ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक लड़का यहाँ पे, सुनो सुनो, दूसरा लड़का यहाँ पे, फिर एक बॉक्स और बाकी के ऐसे, फिर एक लड़का यहाँ पे, एक लड़का यहाँ पे, बॉक्स यहाँ पे, कभी बॉक्स यहाँ पे, मतलब बॉक्स वॉक एज अ सिंगल एंटिटी। अब यहाँ पे बॉक्स 6 अंदर क्या है नहीं पता, वो एक एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो अंदर सब एक साथ मैंने पैक करके उसको एक बना दिया है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो अब इस एक बॉक्स को और 6 लड़कों को अरेंज करने का कितना तरीका होगा, टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके पास। तो फैक्टोरियल 7 तरीके से आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, जिसमें कि मुझे बोलने दो, 7 फैक्टोरियल तरीके से आप ये अरेंज कर सकते हो, जिसमें कि 7 ऑब्जेक्ट को आप अरेंज कर सकते हो, जिसमें 6 लड़कियां हमेशा साथ होंगी, ये कर दिया आपने। और ये 6 लड़कियां अंदर ही अंदर आपस में एक्सचेंज करती जा रही हैं, वो प्रोसेस कंटिन्यू है, वो चल रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पे साथ में ऐड करना पड़ेगा। आप कोई भी अरेंजमेंट कर देते हो, जैसे मान लो आपने ये अरेंजमेंट कर दिया, ये 3 लड़के यहाँ पे हैं, ये बॉक्स है यहाँ पे, फिर से ये 3 लड़के यहाँ पे, ये अरेंजमेंट आपने किया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या आपस में चेंज नहीं कर रहे हैं, ये फिर यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ऐसे करते रहे फैक्टोरियल 6 तरीके, तो इसके अंदर इसी अरेंजमेंट में हो गए। फिर कोई भी अरेंजमेंट आप फिक्स करोगे, 2 लड़के इधर हो, फिर ये बॉक्स हो, फिर 4 लड़के इधर हो, यहाँ भी ये फैक्टोरियल 6 तरीके से आपस में अरेंज करेगी। तो इस तरीके से टोटल फैक्टोरियल 7 तरीके हैं, और सब में वो अंदर ही अंदर फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज करेगी। तो टोटल वेज इन विच 6 गर्ल्स आर ऑल टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर इज फैक्टोरियल 7 इनटू फैक्टोरियल 6। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। अब हमें ये देखना है कि हमें उन सारे वेज को ढूंढना है जिसमें ये लड़कियां साथ नहीं हो, सारी लड़कियां साथ नहीं हो, यानी ये सिचुएशन नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे लोगों को अरेंज कर दो, 12 लोग टोटल हैं, लड़के लड़कियां कोई मतलब नहीं है, सबको अरेंज कर दो। तो वो अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12, कोई कंडीशन ही नहीं है उसमें से। अगर हम इस केस को माइनस कर दें जिसमें सारी लड़कियां साथ हैं, तो इसके अलावा जो भी केस होंगे उसमें सारी लड़कियां साथ नहीं होंगी, उसमें सारी लड़कियां साथ नहीं होंगी। बोलिए, समझ आया? ये आंसर है। फैक्टोरियल 12 इज द नंबर ऑफ वेज इन विच नो कंडीशन इज गिवन, एंड दिस इज नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। सो इफ यू सबट्रैक्ट दिस थिंग फ्रॉम फैक्टोरियल 12,
then you will get all the number of ways in which all the girls are not together. सारी लड़कियां एक साथ वाला सिचुएशन जितना भी था वो सब आपने माइनस कर दिया है, तो अब जो भी सिचुएशन बनेगा उसमें ये बॉक्स जैसा कोई सिचुएशन नहीं बनेगा। हो सकता है पांच लड़कियां साथ हो, एक लड़की यहाँ पे आ जाए, दो लड़की इधर हो जाए, छिटक जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन ये वाला केस तो इतना ही है, फैक्टोरियल 7 इनटू फैक्टोरियल 6। समझ लीजिए, पूछ लीजिए जो पूछना है। इतना छोटा आंसर है, कोई गलती नहीं करना, सिर्फ दिमाग का काम। आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। आपके पास अगर फाइव लेटर हैं तो आप उनको कितने तरीके से, कितने वर्ड्स बना सकते हो? फैक्टोरियल 5 वर्ड्स बना सकते हो, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, लेकिन उसमें पांचों डिफरेंट होते हैं। अगर उसमें से कोई दो सेम हो गया फिर क्या होगा? जैसे आपको मैं एक वर्ड दे रहा हूं, माँ, अगर मैंने आपको ये वर्ड दिया सपोज कट, तो कितने वर्ड्स बनेंगे इसके? कट के फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 बनेंगे। हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे हमने माँ नहीं रख के मैट रखा, तो कितने कितने वर्ड बनेंगे यहाँ पे? एम ए टी, फिर एम टी ए, फिर ए एम टी, फिर ए टी एम, फिर टी ए एम, फिर टी एम ए, ऐसे बन गया फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। अब यहाँ पे मैट नहीं रह के यहाँ पे माँ हो गया, यानी ए दो बार हो गया, जहां जहां टी है वहां वहां आपने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। तो लिख दो ए, टी को हटा दो, ए लिख दो, फिर टी को हटा के ए लिख दो, टी को हटा के ए लिख दो, टी को हटा के ए लिख दो, टी को हटा के ए लिख दो। अब देखो छह बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? ये दोनों तो सेम ही हो गया भाई, और ए एम ए यहाँ भी है, ये दोनों भी सेम हो गया, और आम दोनों, यानी कि आपके तीन बने, एम डबल ए, ए एम ए और ए एम, यानी कि इसके आने से आपके छह घट के तीन हो गए। उसी तरीके से आप एक और काम करो, फूल, अगर ये ऐसे होता, कोल, अगर ये कोल होता तो कितने बनते? फैक्टोरियल 4 बन जाते, ठीक है, लेकिन ये कूल है तो जैसे आप इसके फैक्टोरियल 4 बनाओगे, यानी कि आपको 24 बार लिखना पड़ेगा, तो उसमें जहां जहां आप, जैसे यहाँ सी ओ ए एल लिखोगे, फिर सी ए ओ एल लिखोगे, ठीक है, फिर सी, एक दो बताता हूँ, सी ओ एल ए लिखा आपने, सी ओ एल ए, फिर सी ए एल ओ। अब यहां ध्यान देना कि ये जो है सी ओ ए एल और सी ए ओ एल, यहाँ पे अगर ए को रिप्लेस करके ओ से ही कर दिया रिप्लेस आपने, कूल बना दिया, तो क्या ये दोनों सेम नहीं हो गया? फिर यहाँ पे अगर ओ को ए से रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया सी ओ एल ओ, और ये भी क्या बन गया? सी ओ एल ओ। इसमें से पेयर बना, यानी कि फिर आगे भी ऐसा हो सकता है, यहाँ ए होगा, सी होगा, एल होगा, ओ होगा, फिर यहाँ पे ओ होगा, सी होगा, एल होगा, और यहाँ पे ए हो जाएगा, इन दोनों का कंबाइंड क्या हो जाएगा? ओ सी एल ओ, यानी कि जितने दो दो बनेंगे वो दो से एक में बन जाएगा, और हर एक वर्ड में ओ और ए तो होगा ही होगा, तो अब जब भी हम ए को ओ से रिप्लेस करेंगे तो हर एक पेयर एक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अगर टोटल 24 वेज हैं, अगर 24 वर्ड्स बन रहे हैं तो अब ये बन जाएंगे 12, यानी यहाँ पे 6 बन रहे थे तो ये बन गया 3, अगर कहीं 80 बनेगा तो वो बन जाएगा 40, यानी 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि हम अगर लिख सकते हैं इस चीज को
अगर कोई लेटर एक कोई लेटर अगर डबल हो रहा है तो उसको फैक्टोरियल थ्री किया मैंने इस केस में और फैक्टोरियल टू से डिवाइड कर दिया। तो कोई पूछे कि माँ से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या करोगे आप, फैक्टोरियल थ्री क्योंकि थ्री लेटर्स है, फिर फैक्टोरियल टू से डिवाइड करेंगे क्योंकि ए दो बार रिपीटेड है। कोल से कितने लेटर बनेंगे, कितने वर्ड बनेंगे, तो फैक्टोरियल फोर, लेकिन कूल से कितने बनेंगे, तो फैक्टोरियल फोर बाई फैक्टोरियल टू बिकॉज ओ गेट्स रिपीटेड। क्लियर हो रहा है? अगर कोई ऐसा पूछे जैसे कुछ और एक वर्ड देखते हैं, कार्गो, कार्गो इससे कितने वर्ड्स बनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल टू, यानी कि जो चीजें रिपीटेड होंगी वो फैक्टोरियल टू से डिवाइड होगा। सपोज करो हमारे पास मैथमेटिक्स है, यहाँ पे सर दो वर्ड रिपीट था तब तो सर ऐसे है, यदि थ्री वर्ड रिपीट होता तो सोचो ना, अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एक होता ना कुकू, इसका बना के देखना आप, ऐसा कोई वर्ड होता है, मतलब मैं वर्ड फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मान लो कि आपने यहाँ एल को भी ओ से रिप्लेस कर दिया, सी ट्रिपल ओ, तब कितने बनेंगे, तो जहां जहां एल है वहां वहां भी आप ओ कर दो, वहां भी ओ कर दो, तो फिर बन जाएंगे आपके सिर्फ चार लेटर, चार बनेंगे। यानी कि उस केस में हम क्या करने वाले हैं, फैक्टोरियल फोर को फैक्टोरियल थ्री से डिवाइड कर देंगे। अगर पांच रिपीट हो जाएगा तो फैक्टोरियल फाइव से डिवाइड करेंगे, चार रिपीट होगा तो फैक्टोरियल चार से डिवाइड करेंगे, जितने रिपीट होंगे उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, ए फिर ए दो बार, फिर एच, यहाँ पे ढूंढो एम कितनी बार है, टोटल तीन, छ, ग्यारह, फैक्टोरियल ग्यारह लिखा सबसे पहले। इन सारे वर्ड्स के यूज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं, सारे लेटर के यूज करके, ए दो बार है तो फैक्टोरियल दो से डिवाइड किया, और क्या क्या दो बार है, टी, टी दो बार है तो यहाँ फैक्टोरियल टू से इसको डिवाइड करेंगे, ए हो गया, टी हो गया, एच दो बार है क्या, ई दो बार है क्या, ई एम है दो बार, मैथमेटिक्स, तो फिर फैक्टोरियल टू से डिवाइड करेंगे। अब है हमारे पास एच ई आई सी एस, ये सिर्फ एक एक बार ही है, तो ये आंसर हो गया। मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर हैं उनसे कितने वर्ड्स बनने वाले हैं, तो इतने वर्ड्स बनने वाले हैं, और इसका मैंने प्रूफ आपको छोटे में करके दिखा दिया है, अब इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितने वर्ड्स रिपीट होंगे उस फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाओ बस, और कुछ नहीं करना, और इस तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे। परमुटेशन की मैक्सिमम चीजें बता दी गई है, आपके पास पूरा वीक है, आप परमुटेशन से रिलेटेड सारी चीजें एनसीईआरटी से करने के बाद कहीं से भी कर सकते हो, और हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर नेक्स्ट स्टेप में और भी चीजें हैं, वैसे पीएनसी में परमुटेशन में ही यही बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मैंने ठीक ठाक आपको बता दिया है कि आप पूरा वीक प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो तो अभी के लिए इतना ही, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर वो सर एनसीईआरटी से आपको एक भेजा था ना, वो सर एनसीईआरटी पे था, वो क्या है उसमें तुमने ये लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यही तो होता है, यही होता है ना। हाँ। अब उसने क्या लिखा हुआ है, n फिर यहाँ पे n और माइनस के बदले उसने ये लिख दिया है, इसका क्या मतलब है, वो n माइनस वन लिखना चाहता है, वही मैंने बोला मिसप्रिंट हो सकता है। इसलिए आप बस, आपको तो ये पता ही है ना n into n minus 1 factorial, बस आपको यही यूज करने आना है और कुछ आना नहीं है आपको, ये क्या लिखा है, इसका क्या साइन है, इसका क्या मतलब होता है, हो सकता है इसका कोई मतलब हो, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की, ये माइनस ही तो है और क्या हो सकता है। हाँ, हाँ। कोई बड़ी चीज नहीं है एक्चुअली, हमें ये चीज पता है इसलिए हम इसके पीछे ज्यादा जा नहीं रहे। फैक्टोरियल n का मतलब n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n, बस उसी वही वो लिखना चाह रहा था। फिर इसके बाद उसने लिखा है n, फिर लिखा है n माइनस वन, फिर लिखा है n माइनस टू फैक्टोरियल, और यहाँ पे माइनस के बदले उसने ये लिख दिया है, तो ये प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ माइनस लिखो, सिंपल रहो, क्या दिक्कत है।
मैं देखूंगा एनसीईआरटी में कहां लिखा है। चलिए हो गया, और कुछ? चलो फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर।